पुलिस ने गांजा सप्लाई करने वाली बैन रियासती टोली को गिरफ्तार कर लिया। इस टोली को रचाकुंडा एसओटी ने गिरफ्तार किया और मुलजिमिन के कब्जे से 1,240 किलोग्राम गांजे को बरामद कर लिया। हुकाम ने इसकी कीमत 2.08 करोड़ रुपए बताई है। पुलिस ने बताया कि विशाखापट्टनम के करीब सिलूरू से ये गांजा महाराष्ट्र को स्मगल किया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि मेडपली पुलिस स्टेशन के हदूद में गाड़ियों में गांजा मुंतकिल करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद 3 अफराद मफरूर बताए जाते हैं। विशाखापट्टनम सिलेरू एजेंसी एरिया से महाराष्ट्र के मुंबई जो गांजा का सप्लाई हो रहा है, उस रैकेट का हमने आज भंडाफोड़ किया है। ये रैकेट जो है स्पेशली वहां एजेंसी एरिया से, इससे पहले जो पुराना ट्रैवल एजेंसी चलाते थे हैदराबाद से, वो लोग उसमें हमें शेख यासीन अलियास फिरोज नाम का जो शख्स ये पूरा चला रहा है उसके बारे में पता चला। और आज सुबह यहां मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन, हमारे राजकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के वहां पे बोडोपल एरिया में हमने एक टाटा टोयोटा इनोवा व्हीकल पहले इंटरसेप्ट किया और वहां उसमें हमें गांजा मिलने के बाद वो लोगों के क्वेश्चनिंग पे दो और व्हीकल, टाटा एस व्हीकल क्लोज और एक टाटा इंडिका व्हीकल, ये 3 व्हीकल जिसमें हमें तकरीबन 1230 केजी 1230 केजी गांजा इसमें पैकेट में मिला और 10 केजी लूज, टोटल 1240 केजी गांजा मार्केट में 15,000 रुपए केजी से 1 केजी बेचा जाता है। और उसके साथ ये 3 व्हीकल भी हमने सीज किए और तकरीबन 2,08,05,000 का माल हमने सीज करके 3 लोगों को हमने हिरासत में लिया है। उसमें एक तैनेरू संतोष बोल के एक ड्राइवर है जो यहाँ पे गैरेज चला रहा है, सुगुरु वासुदेव रेड्डी, वो गैरेज में भी माल रख रहे अलिया सुगुरु वासुदेव रेड्डी अलिया वासु बोडुपल एरिया, और उसका उसके गैरेज में काम करने वाला पूर्णम राजेश्वर जो उसको ये धंधे में मदद कर रहा है, ये 3 को हमने अभी हिरासत में लिया है। इस रैकेट का जो मुख्य सूत्रधार है शेख यासीन अलियास फिरोज, वो अभी भी फरार है और उसके साथ 2 और ड्राइवर चिंचू रविंदर और मंदा मधु, ये दोनों भी फरार है। तो टोटल 3 लोगों को अभी हमारी तलाश अभी